दोस्तों यार, अगर आप भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, अगर अच्छे से टाइटल लगाते हो, थंबनेल लगाते हो, सारा काम कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, लेकिन अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, तो दोस्तों आप कहां पर गलती कर रहे हो? कहीं ना कहीं यार आप कुछ ना कुछ गलती तो कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो रहा है, बट आपको पता नहीं है क्या गलती कर रहे हो। और आप सोच रहे हो यार कि काश कोई बड़ा यूट्यूबर जो यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो चुका है, अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाता, मुझे बताता मेरी गलती क्या है यार, क्यों नहीं मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और वो बंदे अपना चैनल ग्रो कर ले रहे हैं, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो ना, तो भाई इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देख लेना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार कहीं ना कहीं यार हमने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो से स्टार्ट करके दोस्तों आप देख सकते हो कि आज मैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं। तो यार हमने भी यूट्यूब से काफ़ी ढेर सारे कुछ सीखे और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखे दोस्तों। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हो, अगर आप ये चीज़ें जान लो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने चैनल को ग्रो करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे दोस्तों जो नया चैनल स्टार्ट करते हैं ना, 100% दोस्तों मैक्सिमम जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं ये गलती करते हैं। और अगर ये गलती करोगे दोस्तों, ना अपने चैनल को आप ग्रो कर पाओगे, ना आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, ना आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे और आप परेशान रहोगे। आपको लगेगा यार पता नहीं अब क्या गलती करो। आप जो भी गलती कर रहे हो दोस्तों, इस वीडियो को देख लो, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो सही से देख लो ना, तो हो सकता है कि आपका चैनल आज से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। इस वीडियो को हल्के मत लेना, क्योंकि यार ये जो पॉइंट है ना कहीं दोस्तों आप ये गलती कर रहे होगे और आपको पता भी नहीं यार कि ये गलती हो रही है आपसे। ठीक है सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने भी बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल बना रखा है, अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो, यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। वीडियो ज्यादा मना कर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका सरोज की और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यार कि आप में से काफी लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपना नया चैनल बना रखे हैं और अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं इसी तरीके से, मतलब जैसे मतलब उसे वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप में से मैंने कितने यूट्यूबर्स दोस्तों मेरी बात रखी है, उसमें से जितने लोग का भी मैंने चैनल देख रखा है ना, सबसे बड़ी गलती दोस्तों पता है उनका क्या है? सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, उनको अपनी कैटेगरी नहीं पता रहती है। वो जो मन चाहे दोस्तों वीडियो अपलोड कर देते हैं। आज मन किया तो आज उसने ब्लॉगिंग कर दिया, अगले दिन मन किया तो उसने गेमिंग कर दिया, फिर मन किया तो कोई कुकिंग वाली वीडियो डाल दिया। मतलब उनके चैनल की कोई कैटेगरी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, सकता है कि ये गलती आप भी कर रहे होगे। आप आज जो मन चाहे वो रिकॉर्ड करके डाल देते हो, यहाँ कुछ हो रहा है इसको रिकॉर्ड करके डाल देते हो। भाई अगर आप इस तरीके का चैनल बना कर रखे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। आप चाहे जितना अच्छा कीवर्ड लिख लो, टाइटल लिख लो, थंबनेल बना लो, आपका चैनल ग्रो होगा ही नहीं। भाई ये थोड़ी ना देखता है यूट्यूब कि आप क्या वीडियो डाल रहे हो उसको ग्रो करना, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब क्या देखता है? आपकी वीडियो, आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। हर एक यूट्यूबर जो मतलब जो सब्सक्राइबर होता है ना, उसका एक चैनल की कैटेगरी होती है। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सक्राइबर जो सिर्फ फूड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो सिर्फ फूड वाले वीडियो देखना चाहता है, ठीक है, तो उस चैनल पर अगर जब भी फूड वाली वीडियो पड़ती है ना भाई, तो उस बंदे के सामने वीडियो गुजरती है। इस तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल की एक कैटेगरी रखनी है कि अगर आपके चैनल पर सिर्फ फूड वाले वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो आपको सिर्फ फूड वाली वीडियो ही अपलोड करना है। स्टार्टिंग से लेकर दोस्तों हमेशा आपको फूड वाली वीडियो ही अपलोड करना है, और उसी वीडियो में से दोस्तों आपका कोई ना कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा। और जिस दिन दोस्तों आपका एक वीडियो वायरल हो जाएगा, मान लो 1-2 लाख उस पर व्यूज आ जाता है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों उसी कैटेगरी का सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आ जाते हैं। मान लो कि अगर आपने कुकिंग वाली वीडियो डाल दिया और उस वीडियो से दोस्तों आपको उस वीडियो पर 10 लाख आपको मान लो व्यूज आ गए, वहाँ से आपको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, 5,000-10,000 सब्सक्राइबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये जो सब्सक्राइबर मिलेंगे दोस्तों आपको उसी वीडियो से मिले जो कुकिंग वाली वीडियो वायरल हुई थी। जाहिर सी बात दोस्तों, अब आपके चैनल पर कौन सा वीडियो डालना है? कुकिंग वाले ही वीडियो डालना है। समझ रहे हो? आपका चाहे जो भी चैनल कैटेगरी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आज आप इस कैटेगरी में वीडियो डाल दिए, अगले दिन किसी और कैटेगरी में वीडियो डाल दिए, अगले दिन किसी और कैटेगरी में वीडियो डाल दिए। मैक्सिमम न्यू यूट्यूबर ये काम करते हैं, उनको लगता है कि 5-6 वीडियो उन्होंने एजुकेशन का वीडियो डाला, नहीं चला, कैटेगरी चेंज कर लिए। भाई ऐसे कैटेगरी अगर चेंज करते रहोगे, यूट्यूब को भी नहीं पता चलेगा ना भाई कि आपका चैनल किस कैटेगरी का रिलेटेड है, किसके सामने आपकी वीडियो को दिखाया जाए। समझ रहे हो? इसलिए यार अपने चैनल का एक थीम बनाओ, अपने चैनल का मतलब एक नीच लेके चलो कि हाँ अपने चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वाले वीडियो डालूंगा, पढ़ाने वाले वीडियो डालूंगा, तो सिर्फ एजुकेशन वाले वीडियो ही डालना, ये नहीं उसे बैठ के सब्जी काटने लगना। समझ रहे हो? ये सब गलती मत करना, वरना आपके जो सब्सक्राइब कर रखे होंगे ना भाई, वो लोग भी आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो अपने चैनल की एक कैटेगरी लेके चलना दोस्तों। आप में से काफी लोग ये गलती करते हैं, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आप दोस्तों अपने कैटेगरी का वीडियो अगर लगातार अपलोड करते रहोगे ना, 100% दोस्तों आपका एक ना एक वीडियो जरूर वायरल जाएगा। आपको ये काम करना है। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, अपने कैटेगरी वाली वीडियो अपलोड कर भी रहे हो, 10 कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, अगर व्यूज नहीं गया, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है यार। स्टार्टिंग में आपके साथ ही नहीं, जितने भी न्यू क्रिएटर दोस्तों चैनल स्टार्ट करते हैं, चाहे हम भी क्यों ना हो, जब हम लोग भी ने अपना यूट्यूब स्टार्ट किए थे भाई, 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और जो भी वीडियो डालते हैं तुरंत ही वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम 1% ऐसे यूट्यूबर होंगे दोस्तों जिसका पहला वीडियो वायरल जाता है। मैक्सिमम 99% न्यू यूट्यूबर का दोस्तों जितने भी रहते हैं, उनका स्टार्टिंग के वीडियोज वायरल नहीं जाते हैं। समझ रहे हो? 20 वीडियो 30 वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, उसके बाद जाके एक आध वीडियो वायरल जाती है।
आप सोचते हो कि आप दो तीन वीडियो डाल दिया, हमारा वीडियो चल क्यों नहीं रहा है। भाई स्टार्टिंग में कहाँ चले गए यार, ना आपके पास सब्सक्राइबर है, ना आपकी फेस वैल्यू है, ना आपके पास चैनल की ज़्यादा रीच है, कहाँ से आपकी वीडियो वायरल जाएगी, समझ रहे हो। अगर आपका आज व्यूज नहीं आ रहा दोस्तों, तो आपको कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी पे काम करते रहो भाई, अपने कंटेंट को अच्छा करते रहो, खुद ना खुद देखना दोस्तों आपका एक वीडियो वायरल चला जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो आपको बताने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आप में से काफी न्यू यूट्यूबर दोस्तों ये गलती भी करते हैं, वो सोचते यार हम वीडियो डाल तो रहे हैं, हमारी वीडियो वायरल क्यों नहीं जा रही है। भाई देखो आप क्या गलती कर रहे हो, आपकी वीडियो क्यों नहीं सर्च में आती, आपकी वीडियो क्यों नहीं लोगों के पास पहुंच पाती, क्या गलती करो, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों साइड मेरा मोबाइल से यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने वाले दोस्तों बिल्कुल ध्यान से प्रोसेस को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप कॉर्नर साइड में देख सकते हो, यहाँ पर यहीं पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन इनकॉग्निटो, इस पर क्लिक कर देना है। आपको अपने YouTube में इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा जो आपको समझाने वाला हूँ, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कि अगर आप एक मेकअप वाला अगर आपका चैनल है और आप एक वीडियो बनाने वाले हो कि सफ़ेद बाल को काला कैसे करें या फिर बाल को काला कैसे करें, मान लो एक ऐसे वीडियो बनाने वाले हो, तो आप मान लो मुझे इस तरह का एक वीडियो देखना चाहता हूँ, मैं एक व्यूअर हूँ और आप इस तरह का वीडियो बनाने वाले हो, आप क्रिएटर हो, तो आप क्या टाइटल लिखोगे। टाइटल समझ रहे हो ना यार, जो वीडियो अपलोड करते हैं तो टाइटल वहाँ पे लिखते हैं, ताकि अगर उस टाइटल से रिलेटेड अगर मैं सर्च करूँ तो आपका वीडियो वहाँ पर आ जाए। तो आप में से मैक्सिमम लोग गलती करते हो, कैसे लिखते हो वहाँ पर, लिखने में गलती करते हो, क्या लिखते हो आप लोग। यहाँ पर सर्च वाला देखो, मान लो मुझे सर्च करना है, यहाँ पर मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है ना, मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ इस टाइटल पर कि कोई सर्च करे कि बाल को काला करने का कोई तरीका हो या फिर बाल को काला कैसे करे, तो मैं क्या टाइटल लिखूं, ठीक है ना। देखो कैसे टाइटल निकाला जाता है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई आदमी सर्च किया, यहाँ पर मान लो कोई आदमी जा रहा है वीडियो देखना चाहते हैं बाल को काला, अब मान लो यहाँ पर मैंने बस इतना लिखा है बाल को काला, ठीक है ना, यहाँ इतना लिखा है। अब नीचे क्या YouTube दिखा रहा है, बाल को काला करने का तरीका, दूसरा क्या दिखा रहा है, बाल को काला कैसे करें, बाल को काला करने के लिए मेहंदी में क्या मिला है, इतना चीज़ ये YouTube हमको खुद ही दिखा रहा है, हमने नहीं लिखा है, हमने तो बस इतना लिखा है, YouTube खुद दिखा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई आदमी मान लो कि कोई ऐसा वीडियो देखना चाहता है कि बाल को काला कैसे करें या काला करने का तरीका क्या होता है, कोई इस तरह का वीडियो देखना चाहता है, मान लो तुम अगर मान लो कि मैंने इतना लिखा बाल को काला लिखा है, तो ये दोनों मुझे दिखने लगे, ठीक है। अब इंसान जो भी होगा बंदा, वो कहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा कि यहाँ क्लिक करेगा, आप बताओ। अगर आप अपने वीडियो में लिखे हो बाल को काला कैसे करें टाइटल, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो भी ऊपर शो करेगा मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। जाहिर सी बात है 99% लोग जो भी कीवर्ड लिखते हैं और जो सबसे ऊपर शो करता है, अगर उससे मिलता जुलता है, वहीं पर लोग क्लिक कर देंगे, जो वीडियो आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा बाल को काला करने का तरीका, यहीं पे क्लिक कर दूंगा, और जो बंदा अपनी वीडियो पे बाल को काला करने का तरीका या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टैग्स में अगर ये कीवर्ड लिखा होगा कि बाल को काला करने का तरीका, उसका वीडियो नंबर वन पे शो करता है। अगर उसको अच्छा वॉच टाइम मिल गया तो हमेशा नंबर वन पे शो करेगा, समझ रहे हो, वरना एक दिन बाद वो डाउन हो जाता है। तो आप अगर इस तरह वीडियो बना रहे हो तो आप ये कीवर्ड, ये सब कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये कीवर्ड यूज करना जो सबसे टॉप पर आए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अगर आप एक हमारी कैटेगरी के यूट्यूबर हो और अपलोड करना चाहते हो, मतलब आप एक वीडियो बनाना चाहते हो कि वीडियो अपलोड कैसे करें, तो आपने लिखा है यहाँ पर वीडियो अपलोड, देखो बस मैंने लिखा है वीडियो अपलोड, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर लिखकर आ गया एक टाइटल लिखकर आ गया, क्या लिख रहा है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, ये लिख क्या रहा है, क्या लिख क्या रहा है, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। अब मान लो मैं इस कैटेगरी इस टाइटल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो क्या मैं टाइटल ये रखूंगा क्या कि वीडियो अपलोड कैसे करें, ये रखूंगा ये नहीं रखूंगा, क्योंकि YouTube खुद ये सजेस्ट कर रहा है सबसे ऊपर, जब ये सजेस्ट कर रहा है तो भाई इसको रखूंगा ना। अगर मेरा वीडियो अपलोड करने वाला मैं तरीका बता रखा हूं, तो ये कीवर्ड रखना चाहिए मुझे, क्यों, जब ये कीवर्ड रखूंगा, ये क्लिक करूंगा, मैक्सिमम लोग यही क्लिक करेंगे, मेरा वीडियो में अगर ये कीवर्ड होगा सबसे ऊपर मेरा वीडियो शो करेगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपना कीवर्ड को यूज़ करना है, टाइटल को यूज़ करना है, ठीक। टाइटल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो ऑफ कर देता हूँ, मैं आपको शो कर देता हूँ टाइटल होता क्या है। जैसे जो कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इस वीडियो में जो नीचे लिखा हुआ दोस्तों ये टाइटल कहलाता है, देख सकते हो, ऊपर होता है थंबनेल और वीडियो नीचे होता है, ये होता है टाइटल, ठीक है ना। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पर टाइटल देखो, हर जगह टाइटल दिख जाएगा आपको। ये टाइटल को दोस्तों यूज करने का तरीका होता है जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों अगर आप सर्चेबल वीडियो बनाते हो, सर्चेबल टॉपिक पे जो लोग सर्च करके वीडियो देखते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरह का टाइटल निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल न्यू यूट्यूबर है तो इस तरीके से आप टाइटल को फाइंड करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिच देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और आपको पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम न्यू यूट्यूबर ये गलती करते हैं, ठीक है ना।
ध्यान से देखना, अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना भाई, आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। स्टार्टिंग में बहुत से लोग ये जानते नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐप, मतलब एक ऐप दिखाने वाला हूँ, इसका नाम है वाईटी स्टूडियो। अगर आपको यूट्यूबर बनना है ना भाई, तो आपके चैनल मतलब आपके मोबाइल फोन में ये ऐप जरूर होना चाहिए, वाईटी स्टूडियो, क्योंकि इसी ऐप से दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके चैनल पर कितने व्यूज़ आते हैं, आपका किस वीडियो पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं हर घंटे, सब यहाँ पर शो करता है। कितने सब्सक्राइबर आपके डेली मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, सब कुछ यहाँ शो करता है। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा वाईटी स्टूडियो। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया यहाँ पर, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम, ठीक है ना। क्लिक करते हो इस वीडियो पे, आप इस वीडियो पे क्लिक करिएगा, मतलब जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो ना, अपलोड करने के बाद ही तुरंत ही एक मिनट बाद, दो मिनट बाद, चाहे आओ तो एक घंटे बाद उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको रिच लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। रिच वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको लिखकर दिखेगा यूट्यूब सर्च टर्म, ये लिखा आपको शो करेगा यहाँ पर यूट्यूब सर्च टर्म, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पर कुछ कीवर्ड तो दिख नहीं रहा है भाई, कीवर्ड दिख रहा है, पहले आपको बता देगा यूट्यूब सर्च टर्म होता क्या है। दोस्तों आपको बता दे कि अगर कोई YouTube पर कुछ भी सर्च करता है, सर्च करने के बाद से जो भी वीडियो सामने दिखता है ना, अगर उसको वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेता है, तो उस वीडियो को जिसने भी अपलोड किया था उसके YouTube सर्च टर्म में वो कीवर्ड यहां पे शो करते हैं कि भाई किस कीवर्ड को लिखने के बाद से यूट्यूब आपका वीडियो बंदे को दिखा रखा है। समझ रहे हो कि नहीं। यहां पर जो भी कीवर्ड अभी शो करेगा, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को किसी ने यूट्यूब पर सर्च किया है तो हमारा वीडियो वहां पर शो किया है। समझ रहे हो कि नहीं। ये आपको यहां से पता चल जाएगा। तो आपको करना है कि आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर लिखा है सिंस पब्लिश्ड, जब से ये वीडियो अपलोड किया तब से लेकर अभी तक क्या क्या लोगों ने सर्च किया है वो सारा यहाँ पे सिस्टम शो करेगा। तो मैंने तो अभी कुछ ही घंटे में वीडियो अपलोड किए हुए, तभी मेरा यहाँ पे सब शो नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे 48 आवर्स में, तो यहाँ पर दिखाएगा कि दो दिनों में क्या सर्च किया है वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, दोस्तों अगर आपने वीडियो अपलोड किए हुए एक घंटा हुआ होगा, तो आप यहीं पर आकर सर्च कर लेना 60 मिनट में। जैसे 60 मिनट में आप क्लिक करोगे, काफ़ी ढेर सारे कीवर्ड आपको दिखेंगे। आप इसको अपर मतलब ऊपर जाना, यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर वाला जो कीवर्ड है ये सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है। समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है, फिर ये वाले को सर्च किया, फिर इसको सर्च किया, फिर इसको सर्च किया, इन कीवर्ड को सर्च करने से यूट्यूब ने मेरा वीडियो यहाँ पे शो किया है। समझ रहे हो, और मुझे पता चल जा रहा है कि भाई क्या लिखने के बाद से मेरा वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो जो कीवर्ड आपको यहाँ पे मिलता रहेगा भाई, इसी कीवर्ड को लेकर आपको अपने वीडियो में अटैच कर देना है। हो सकता है आपने वीडियो में अपने ये कीवर्ड ना लिखा हो। कैसे लिखना है जरा ध्यान देना, आप बैक करना, यहाँ से बैक करना, यहाँ पर आना, इस पेंसिल वाले मार्क पे आना, आपको यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों उन सारे कीवर्ड को दोस्तों आप लेकर आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद देखो यहाँ लिखा रहा है डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है इसको क्लिक करो, ये आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड यहाँ पे फिल कर रखे हैं, देख सकते हो। इसी तरीके दोस्तों आप काफ़ी ढेर सारे कीवर्ड जितने भी आपको वहाँ पे शो करे, मिलता जुलता जो भी रहे, आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। यहाँ लिखने के बाद दोस्तों आप अपने टैग्स में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर टैग्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक करो, ये सारे टैग्स से आप इसमें टैग्स में भी फिल कर लीजिएगा वो सारे कीवर्ड जो आपको वहाँ पे शो करेंगे। ऐसे फालतू कीवर्ड मत लिखिएगा जो वहाँ शो कर रहे, इसका मतलब कि उस कीवर्ड लिखने के बाद से यूट्यूब ने आपकी वीडियो दिखाया है। और दोस्तों अगर आपने सर्चेबल वीडियो बना रखा है, मतलब कोई यूट्यूब पर सर्च करे और आपका वीडियो शो करे वहाँ पर, अगर आपको सर्च वाला कोई वीडियो बना रखा है ना, तो 100% दोस्तों आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड यहाँ पे शो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है दोस्तों अगर आपके वीडियो में कोई कीवर्ड शो ही ना करे, ऐसा ही बहुत से लोग हो सकते हैं जिसमें कीवर्ड शो ना करे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है, नए चैनल में दोस्तों अगर आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो, बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो यूट्यूब सर्च में नंबर वन पर जाए। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग भी यार चैनल जब स्टार्ट किए थे, तो हमारा भी जो स्टार्टिंग वीडियो अपलोड करते थे, तो हमारा वीडियो सर्च में नहीं जाते थे। बट धीमे धीमे दोस्तों जब उसी चैनल पर काम करते गए, धीमे धीमे कुछ ना कुछ एक आध वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद दोस्तों आज जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ कहीं ना कहीं सर्च में वीडियो जाता है। और जो भी दोस्तों आज आपको तरीका बताया ना, 100% दोस्तों ये सारे जेन्युइन तरीके हैं जो खुद मैं यूज करता हूँ, आज भी यूज करता हूँ और स्टार्टिंग में यूज करता था, ठीक है। तो दोस्तों यही तरीका दोस्तों आप भी अपने चैनल पर यूज करो, करके देखो यार आपका चैनल 100% उससे कुछ ना कुछ ग्रो होगा, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो को रीच वहाँ से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यार हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था और आप देख सकते हो कि आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं यार यूट्यूब से हमने भी बहुत कुछ सीखे हैं जो कि आज आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यार इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों सबसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।